अपने इलाकों को छुड़ाने के लिए यूक्रेनी सेना काफी संघर्ष कर रही है और इस लड़ाई में यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से और हथियार सप्लाई करने की मांग कर रहा है और यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की हथियार मांगने के लिए अमेरिका गए, जहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर अमेरिका ने मदद रोकी तो यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध हार जाएगा। डेमोक्रेटिक सांसद चक शुमेर जो बाइडेन की यूक्रेन समर्थित नीतियों के एक बड़े सपोर्टर हैं, उनका कहना है कि ज़ेलेंस्की ने उन्हें बताया कि अगर यूक्रेन को मदद नहीं मिली तो वो युद्ध हार जाएंगे। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, तब से लेकर अब तक यूक्रेन के लिए अमेरिकी संसद ने 100 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद को मंजूरी दी है। इसमें 43 अरब डॉलर के हथियारों की मदद भी शामिल है। लेकिन बाइडेन की पार्टी पर कट्टर दक्षिणपंथी गुट हावी है और वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि यूक्रेन को दी जा रही मदद अब बंद होनी चाहिए और इसको लेकर अमेरिका में सर्वे भी हुआ है, जिसमें कुछ लोगों में यही रुझान नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाइडेन यूक्रेन को दी जाने वाली मदद से अपने आने वाले चुनाव में यूक्रेन के साथ आखिर तक खड़े रहने के अपने वादे और अपनी वैश्विक नेतृत्व वाली छवि दिखाकर अमेरिकी जनता के बीच जाना चाहते हैं। वहीं कुछ रिपब्लिकन सांसदों का कहना है कि यूक्रेन को सहायता के रूप में दी जा रही रकम को अमेरिका अपने बॉर्डर को मजबूत करने में खर्च कर सकता है। इसके अलावा यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई की रफ्तार को लेकर भी कई चिंताएं हैं और कुछ का मानना है कि यूक्रेन में भ्रष्टाचार की वजह से अमेरिकी मदद बेकार जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन सांसद रॉजर मार्शल ने भी संसद से अपील की है कि इस बार ज़ेलेंस्की को ब्लैंक चेक नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ 6 अमेरिकी सांसदों ने एक संयुक्त पत्र में ये घोषणा की है कि बस बहुत हुआ, और इन सांसदों ने भविष्य में यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को भी रोकने की धमकी दी है।